धर्म के लिए काम कर रही है, ठीक है। ये तो सिर्फ परिवार का, ये परिवार की बात कर रहे हैं। अरे साहब, परिवार होना चाहिए, लेकिन परिवारवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो समाजवादियों ने की है और कांग्रेस के लोगों ने की है। चलिए इस पूरी चर्चा को जरा निष्कर्ष तक पहुंचा। जी सैफ भाई, आपने उंगली उठाई एम्पायर की तरह, जल्दी से आप जरा एक मिनट में इसको वाइंड अप कीजिए प्लीज। देखिए, धरातल पे आज भाजपा जो है वो किसी भी तरीके से अपने को शून्य के आगे नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा। दलितों के अगेंस्ट क्राइम जो बढ़ा है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो बता रहा है। ये घर वापसी करते करते आज अपने मुख्यमंत्री खुद अपना केस वापसी कर लेते हैं। इनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। इनके विधायक गंगा प्रसाद जी ने रेड लिस्ट लगा रखी है कि भाई ये काम हो रहा है, गड्ढा मुक्त सड़कें और वो कर नहीं पा रहे हैं, फेक इनकाउंटर अपने चरम पे हैं। हमारा ये मानना है आप राजनीति नहीं, अब ध्यान दीजिए जनता के ऊपर, आप अपने अंतर मन के अंदर झांकिए। और मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि अब देश आपको माफ नहीं, अब आपको साफ करेगा। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। इस पूरी चर्चा को आखिरी समय 10 सेकंड ले लूं आपसे? हाँ सर, बिल्कुल आप ही के पास आ रहा था मैं। बोलिए बोलिए जी। जी नहीं, सलभ जी ने कहा कि हमारे संत कौन हैं। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी में बदलाव का दौर तब शुरू हुआ जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सरकार गंवा सकते हैं लेकिन अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हम जो फोटो देखते हैं, प्रधानमंत्री जी किसके पैर छूते नजर आते हैं, वो आसाराम जी हैं, राम रहीम हैं, रामपाल हैं। तो हम साधु संतों पे नहीं जाना चाहते कि आपके साधु संत कैसे हैं और हमारे कैसे हैं। हम केवल ये चाहते हैं कि समाज को साधु संत अच्छे मिले, अच्छा रास्ता दिखाएं, अच्छा मार्ग दिखाएं, अध्यात्म की तरफ ले जाएं, भ्रष्टाचार और बेईमानी की तरफ ना ले जाएं। टीवी की मजबूरी है, ब्रेक लेना जरूरी है। राजकुमार सिंह साहब, 30 सेकंड प्लीज वाइंड अप कीजिए सर। अतुल जी, देखिए जिस तरह की आज बात हुई और शलभ जी और सुनील साजन जी जो बातें कह रहे हैं, दरअसल ये चुनाव आने वाला बहुत ही कह सकते हैं बहुत बड़ा एक युद्ध का मैं इसको नाम दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव जी का पूरा